बढ़ती महंगाई को लेकर सोमवार को अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रदर्शन किया गया। शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए केंद्र सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सोमवार को डाक बंगले पर इकट्ठा होकर रैली निकालते हुए जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि देश में बढ़ती महंगाई के चलते अराजकता का माहौल है। केंद्र सरकार की कुनीतियों के चलते देश में बेतहाशा महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। पिछले एक वर्ष से लगातार पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दामों में भारी वृद्धि की गई। कोरोना के चलते वैसे ही आम आदमी का जीना दुर्बल हो गया था। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा बढ़ती बेतहाशा महंगाई ने आमजन की कमर तोड़ दी है। नौरथ गुर्जर ने कहा कि महंगाई पर लगाम लगाने वाली व अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश का हर वर्ग, चाहे युवा हो, महिला हो या किसान हो, इस सरकार से त्रस्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में वह अपनी संवेदनहीनता की सभी हदें पार कर चुकी है। इसे लेकर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया और उनसे मांग की गई कि जनहित में इस निरंकुश केंद्र सरकार को बर्खास्त करें व आम जन के साथ न्याय करें। देखिए, पूरे देश के अंदर जो मोदी जी की सरकार है, अभी 5 राज्यों के चुनाव थे, उससे पूर्व इन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम घटा दिए थे और जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव समाप्त हुए, आज महंगाई वापस आसमान छू रही है और पेट्रोल और डीजल के भाव आप सबको पता है कि किस तरह से बढ़ रहे हैं हर रोज़। और पेट्रोल डीजल के खिलाफ आज महंगाई के विरोध में यहाँ कांग्रेस पार्टी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी सभी के निर्देश में और हमारे अजमेर में भी जो यहाँ पर महंगाई के विरोध में हमने ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति महोदय के नाम और कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम मांग करते हैं कि जनता महंगाई से त्रस्त है और तुरंत प्रभाव से महंगाई पे रोक लगाए, नहीं तो ये जो शासन है मोदी जी सरकार का, ये कुर्सी बहुत कम दिनों की रहेगी क्योंकि आम जनता जो है महंगाई से बहुत त्रस्त है। आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और जिस तरह की तानाशाही और हिटलरशाही इस भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी सरकार की है, ये किसी हालत में नहीं चलेगी। लोकतंत्र के अंदर तानाशाही का कोई स्थान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये मोदी जी है किसी की भी नहीं सुन रहे हैं और यहाँ तक कि बीजेपी के सांसद और बीजेपी के MLA भी इनसे नहीं मिल सकते। लेकिन आज जो महंगाई आसमान छू रही है उसको लेकर के कांग्रेस आगे आने वाले दिनों में और सड़कों पे उतरेगी, अन्यथा ये मोदी सरकार महंगाई कम करे। और हमने आज राष्ट्रपति के नाम में यहाँ जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, शहर कांग्रेस कमेटी और देहात कांग्रेस के तमाम लोग अजमेर जिले के, आज हमने इनको ज्ञापन सौंपा है।